have some fun. Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. I am Ruby. तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी नाश्ते का टाइम है, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ बनाती हूँ, घर पे बना लेती हूँ नाश्ते के लिए। तो मैंने सोचा अगर मैं कुछ बनाऊँ तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं आज बनाऊँगी उपमा। मेरे कुछ सिंपल वाला उपमा आता है, मैं ज़्यादा कुछ सामान डालकर मुझे नहीं आता, बट मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो मैंने सोचा आप सबके साथ मैं उसको शेयर करूँ। तो मैं अभी बनाऊँगी, क्या क्या मैं डालती हूँ, कैसे बनाती हूँ, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने यहाँ पे बहुत तरह की सब्जियों को काट कर रख लिया है, जैसे कि मैंने प्याज डाला है इसमें, फिर मैंने चने के दाल को डाला है, फिर मैंने कड़ी पत्ता लिया है, फिर मिर्ची और टमाटर, मैंने ये सारे वेजीज ले लिए। फिर मैंने उसके बाद गैस में कढ़ाई को डालकर उसमें तेल, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और उसको थोड़ा सा गर्म किया मैंने तेल को। उसके बाद मैंने सरसों डाला है यहाँ पे। सरसों डालने के बाद थोड़ी देर वो होने के बाद मैंने उसमें लहसुन और मिर्ची डाल दी है। मिर्ची लहसुन थोड़े लाल होने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाला है। टमाटर थोड़ा सा मैंने फ्राई कर किया है। टमाटर के फ्राई होते ही मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया है और प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई किया है, थोड़ा ब्राउन होने तक। प्याज के थोड़ा ब्राउन होने में मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता को डालने के बाद मैंने उसमें फिर वो चने के दाल को डाल दिया इसमें थोड़ा सा। चने के दाल डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। सारे मसाले थोड़े से जब फ्राई हो गए गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें सूजी डाला है। सूजी डाल के मैंने उसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करा है लो फ्लेम पे। हल्का ब्राउन होने लगा देन मैंने उसमें नमक डाला, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद मैंने उसको ब्राउन होने तक के लिए और थोड़ा सा फ्राई कर दिया। पूरी तरह से सूजी जब ब्राउन हो गई देन मैंने इसमें पानी डाला ताकि वो उसमें पक सके। इसके लिए मैंने उस हिसाब से ही पानी डाल के उसे पकने दिया। दो चार उबाल आने तक मैंने उसको पकाया, जब तक वो अच्छे से फ्राई नहीं, उसमें वो पक नहीं जाता, जब तक के लिए मैंने उसको पानी डाल के फ्राई बनाया है। पूरी पानी के सूख जाने के बाद मेरा उपमा रेडी हो चुका है खाने के लिए। देन मैंने इसको थोड़ा सा प्लेट में डालने के बाद उसे कड़ी पत्ते के साथ थोड़ा गार्निश करके मैंने उसे सुंदर बनाने का ट्राई किया है। तो प्लीज़ बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा ये वाला, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।